वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दक्षिण भारत के जंगलों में दहशत का पर्याय रहे चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या रानी को बीजेपी ने तमिलनाडु युवा इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले जब विद्या रानी को बीजेपी में शामिल किया गया था तो पार्टी पर कई सवाल उठे थे, लेकिन बीजेपी ने विद्या रानी को अलग नजरिए से देखे जाने की बात कहकर बचाव की थी। विद्या रानी के साथ बीजेपी ने तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमजी रामचंद्रन के संबंधियों और कई फिल्मी हस्तियों को राज्य की कार्यकारी समिति तथा विभिन्न पदों पर नियुक्त किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इनकी नियुक्तियों के पीछे बीजेपी की क्या सोच है और कौन था वीरप्पन। दरअसल भाजपा की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि इस साल फरवरी में पार्टी में शामिल होने वाली रानी को राज्य की युवा इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में इसी साल मार्च में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले एल मुरुगन राज्य में पार्टी को विस्तार देना चाहते हैं। इसी के तहत ये नियुक्तियां की गई हैं। यही नहीं, इसके अलावा 2017 में बीजेपी में शामिल हुई एमजी रामचंद्रन की दत्तक पुत्री और रामचंद्रन के भाई एमसी चक्रपाणी के पोते आर परवीर तथा अभिनेता राधा रवि को पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि इसके अलावा अभिनेता विजय कुमार, निर्देशक गगई अमरान एवं कस्तूरी राजा को राज्य के कार्यकारी में विशेष संगठन नियुक्त किया गया है। कस्तूरी राजा अभिनेता धनुष के पिता एवं रजनीकांत के समधी हैं। वीरप्पन की बेटी विद्या रानी अति पिछड़ा समुदाय से आती हैं। इस समुदाय की आबादी राज्य में करीब 20% के आसपास है। यदि बिन्यार भी इस समुदाय में आ जाता है तो इस समुदाय की आबादी लगभग 25% तक पहुंच जाएगा। तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में इस समुदाय के लोगों का ज्यादा वर्चस्व है। बीजेपी इस समय केंद्र और देश के अधिकतम राज्यों में सत्ता पर काबिज है, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य में अपनी जड़ें जमाने में अभी भी कामयाब नहीं हो पाई है। यही वजह है कि हर तरह के समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत वीरप्पन की बेटी विद्या रानी को और अन्य नेताओं को राज्य में बड़ा पद दे रही है, लेकिन उसके इस फैसले से पार्टी की आलोचना भी अब शुरू हो गई है। गौरतलब है कि चंदन तस्कर वीरप्पन तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में गढ़ बना रखा था। चंदन की तस्करी के साथ साथ हाथियों को मारकर दांतों की तस्करी में भी वीरप्पन की सक्रियता थी। इसके अलावा वीरप्पन ने साल 2000 में कन्नड़ अभिनेता राजकुमार और 2002 में कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा का अपहरण कर लिया था। वीरप्पन के पीछे पुलिस लगभग 2 दशक तक पड़ी रही, जिसके बाद साल 2004 में 18 अक्टूबर को वीरप्पन पुलिस के हाथ चढ़ा और पुलिस की गोली से मारा गया। तो ये थी वीरप्पन की बेटी को बीजेपी में तमिलनाडु की राज्य इकाई का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही बीजेपी की इस फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं वह भी लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।